अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए गाइस, ये मैं नीचे आई हूँ, ये कपड़े वॉश किए थे तो ये प्रेस होकर आए हैं और जो कपड़े तह लगाने के थे वो मैं नीचे आ चुकी हूँ। चलिए तो व्लॉग शुरू कर लेते हैं। और गाइस मशीन भी लगा रखी है जो कपड़े वॉश हो रहे हैं। आपसे बात करती हूँ फिर। हेलो गाइस, तो ये जिस दिन मैंने क्लीनिंग करी थी, ऊपर बताया था दवाई डाली थी बेड बग्स की, तो उससे दूसरे दिन की क्लिप है। तो मशीन लगा रखी है और जो ये पहले के कपड़े हैं तो ये प्रेस होकर आए हैं और जो ये तह लगाने के थे तो उनकी तह लगा दूंगी और जो प्रेस के कपड़े हैं वो रख दूंगी। तो गाइज अगर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और सुफियान मेरे कर रहे हैं हेल्प कपड़े की तह लगाने में, देखो अपने टी शर्ट की तह लगा रहे हैं। इन्हें बड़ा मजा आता है इन कामों में घुसने में, बस मम्मी के एकदम ये देखते हैं कब जाएं। और जोहर का टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहा है, नमाज पढ़ के अभी बैठी हूँ। मैंने सोचा नमाज सबसे पहले पढ़ लेती हूँ, फिर काम में लग जाती हूँ तो लेट हो जाती हूँ, तो इसलिए मशीन भी चल रही है और ये साथ साथ काम हो रहा है। और खाना गाइस बना हुआ है, सिर्फ रोटियाँ डलेंगी तो इसके पापा आ जाएंगे तो गर्म गर्म रोटियाँ डाल दूंगी और मैं चावल खाऊंगी, कढ़ी बनाई थी। इसके पापा खाएंगे रोटी और सब्जी तो उनकी रोटियाँ हैंड टू हैंड डाल दूंगी। तो चलिए जैसे जैसे काम होगा रूटीन होगा आपसे शेयर करती रहूंगी। और प्लीज गाइज मेरी वीडियो शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। और ये पीछे तो दिख रहे हैं आपको अलमारी में कपड़े, ये जो देने ये दिख रहा है ना। तो गाइज जो ये छोटे हो जाते हैं इनके बच्चों के, ये मेरे नहीं पहनती हूँ तो ये मैं निकाल कर यहाँ रख देती हूँ। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर मैं किसी को दे देती हूँ, हमारे एक रिश्तेदार है मतलब दूर की, तो उन्हें या फिर किसी के गाँव पहुँचवा देती हूँ। जैसे हमारे नीचे बाजी रेंट पे रहती हूँ उनके गाँव में, वो दे देती हैं जिन्हें ज़रूरतमंद होते हैं उन लोगों को तक पहुंचाने चाहिए तो उन्हें दे देती हूँ मैं। और क्योंकि ऐसे ना फिर जगह, क्योंकि कपड़े आते रहते हैं तो जगह वही रहती है, देखो आप भी जानते हो जगह तो बढ़ती नहीं है, कपड़े ही बढ़ते रहते हैं, तो इसलिए जो अनयूज कपड़े हैं तो जाहिर सी बात है वो निकाल दो। इसलिए मैं हैंड टू हैंड निकालती ही रहती हूँ सर्दी गर्मी जो भी इनके छोटे। सर्दियों में तो मैं हर साल मतलब ये जब निकालती हूँ कपड़े तो चेक करती हूँ, जो छोटे होते हैं तो वो निकाल करके दे देती हूँ क्योंकि जो सर्दियों में यूज़ हो जाए। और आप जानते हो बढ़ते हुए बच्चों के कितने कपड़े छोटे होते हैं, हर 6 महीने में इनके कपड़े छोटे हो जाते हैं, शूज और कपड़े इतने हैं। अब भी आप यकीन जानना इतने सारे शूज निकाले हैं मैंने इन लोगों के फेंकने के लिए, वो तो खैर फट गए वैसे हैं तो वो नहीं दिए जाते हैं। और जो यूज करने के होते हैं वो मैं खुद ही दे देती हूँ, जो थोड़े बहुत ऐसे होते हैं डिफेक्ट वाले तो मैं नहीं देती हूँ, वो कूड़े में ही जाते हैं फिर। तो अभी इतने सारे निकाले हैं, यहाँ की क्लीनिंग करी थी क्योंकि इन्होंने फिर 8 जोड़े जूते आए हैं तो इन्होंने वो लोग खरीदे हैं, सर्दियों अभी शुरू होने वाली है तो इन्होंने पहले लाकर रख लिए हैं सबने अपने 2-2 जोड़ी शूज, एक डेली यूज के लिए और एक बाहर आने जाने के लिए। तो ये तीनों बाप बेटे लाए, बस मेरे भी मैंने भी 2 ही लिए हैं, इसके रह गए मेरे बेटे के। ये लाएगा मेरा बेटा, ये कह रहा है लाइट वाले शूज चाहिए मम्मी, तो इन्हें एक लाइट वाले ला कर देंगे और एक डेली यूज के लिए ला कर देंगे। क्यों सुफियान बोलो बोलो, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो बस इसी के शूज रह गए हैं अब, तो मार्केट जाना नहीं हो रहा है मेरा, मार्केट जाऊंगी तो वैसे भी इसके पापा जब इसे जरूरत होगी ना तो खुद ही ले जाएंगे, मार्केट हमारे करीब में ही है, यूं ही जाओ और बस ले आओ फटाक से। और मुझे भी एक काम था, यहाँ पर एक बाजार लगता है थर्सडे के दिन क्योंकि मुझे 2-3 कुर्तों का अस्तर लाना था। तो यकीन जानना गाइस मेरी बहुत तबीयत खराब थी उस दिन, मुझे ना मेरे ठंड सी बैठ गई, मेरे सीने पे बहुत ज्यादा तकलीफ थी, इस वजह से मेरा व्लॉग 2 दिन लेट हो गया। व्लॉग तो आधा बना हुआ था मगर तबीयत ठीक होती, आज मेरी थोड़ी सी बेहतर, अभी दवाई खाऊंगी जाकर के मैं। तो लो इनकी कैपरी देखो। तो इसलिए मैंने सोचा मशीन भी मेरी नहीं लगी, ये डांटने लगे कि मतलब तबीयत ठीक नहीं है तो मशीन नहीं लगाओ, तो फिर मैंने सोचा चलो आज खाना बना हुआ है ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, मशीन लगा लेते हैं और थोड़ा सा काम कर लेते हैं, दवाई खाऊंगी जा करके और टाइम मिला तो हो सकता है आज तो नहीं जाऊंगी, अभी 2 दिन नहीं जाऊंगी, अब तक फुल ठीक नहीं हो जाऊं। फिर मार्केट से जो मैंने कमीजें ली हैं वो आपको दिखाऊंगी, कॉटन की हैं कुछ वैसी हैं रेशमी मतलब जॉर्जेट में है, तो उसका अस्तर लेकर आना है, वो स्टिच करवानी है और उसके बाद जैसे जैसे रूटीन होगा आपसे शेयर करती रहूंगी। चलिए फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ, चलिए इन कपड़ों की तह लगा लेती हूँ। ये देखो इनकी बचपन की पजामी, इन्हें बड़ी प्यारी है ये, और तो मैंने दे दी ये 6-7 पजामियां थी इसकी, बाकी तो मैंने दे दी जो यूज नहीं होती थी, और ये एक रह गई है, ये गंदी हो गई थी तो ये बच्चे शूज वगैरह साफ कर लेते हैं तो ये मैंने वॉश कर दी थी तो ये खेल रहे हैं। चलिए फिर हम कपड़ों की तह लगा लेते हैं। Thank you.
गाइस मैं आई थी छत पर, थोड़े से प्लांट्स रखे ना उन्हें देखने, तो ये बिल्ली आ गई, हमारी गली में ही रहती है ये, तो ये आ जाती है घर पर। तो ये देखें, ये लाड दिखा रही थी बार बार मेरे पास आ करके बैठी थी, तो हम इससे खेलने लगे सूफियान और मैं। और यकीन जानना गाइस बहुत अच्छी है ये, पंजा वंजा नहीं मारती है, मतलब ऐसी बैठी रहती है, देखो मेरे पास बैठी काफ़ी देर। और मुझे मौसम इतना अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा चलो छत पर बैठ कर आती हूँ और थोड़े से अपने पौधों में, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है अपने पौधों को देखकर। तो बस मैं वहीं आई थी छत पर, और ये एलोवेरा की वो तोड़ी है मैंने लीव्स लगाने के लिए हेयर में, तो ये मैं आकर बैठी, बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, तो ये भी आकर मेरे पास बैठ गई, बराबर वाली छत पर थी। जैसे इन्होंने देखा मैंने आवाज़ लगाई तो ये फ़ौरन आ गई, तो ये देखो ये मस्ती कर रही है लेटी हुई। और शाम का टाइम बहुत ही अच्छा हो रहा था, बारिश का सा मौसम हो रहा था और बारिश भी काफ़ी हुई, सारी रात बारिश हुई है। तो ये देखें, चलिए अब हो रहा है खाने का टाइम, तो भाई किचन में चलते हैं। तो आज की बनेंगे आलू का पराठा और दही फुल्की बनाई थी मैंने, तो आलू के पराठे की रेसिपी नहीं शेयर की। तो ये देखें ये बना रही हूँ मैं दही फुल्की, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है गाइज़। और अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो बस ये देखें दही फुल्की बना रही हूँ और अपने ससुर जी को भी भेजूँगी, क्योंकि बाबू जी को ना बहुत अच्छी लगती है दही फुल्कियाँ, तो मैं जब भी बनाती हूँ तो उनके लिए भेज ही देती हूँ। करीब रहने का यही फ़ायदा है, अच्छी बुरी चीज़ एक दूसरे को शेयर कर लो, तो उन्हें भी भेज दूँगी और हम भी खा लेंगे और बनेंगे आलू के पराठे। तो ये दूसरे दिन को एडिट कर रही हूँ और आज भी बारिश का सही मौसम हो रखा है, बड़ा अच्छा मौसम हो गया। अब तो फ़ैन भी नहीं चल रहा है, नहीं तो गर्मी इतनी हो रखी थी, अभी तक गर्मी नहीं जा रही थी, पर बारिश ने बहुत अच्छा मौसम कर दिया है। पर गंदगी इतनी ज़्यादा हो रखी है सड़कों पर बारिश से बहुत ज़्यादा। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी गाइज, अगर आप लोगों को ज़रा ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और ज़रूर करिएगा वीडियो। और अगर आप किसी और चीज़ की रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप किस चीज़ की रेसिपी देखना चाहते हैं। और ये देखें तो मैंने डाल दिया है इसमें, और अगर इसको फुल रेसिपी आपको चाहिए ना दही फुल्की की, तो ऑलरेडी मैंने अभी एक दो पहली वीडियो में दी थी, आप वहाँ पर देख लें, चेक कर लें। अगर आपको नहीं मिले तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी, कम्युनिटी में डाल दूँगी, जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं गाइस। तो चलिए फिर आप लोग देखते रहिए, अगली वीडियो में आप लोगों से मैं मुलाकात करूँगी। अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, ख़ास करके छोटे बच्चों का, क्योंकि ये आती ही भी सर्दी और जाती हुई सर्दी ना, मतलब आती ठंड और जाती ठंड बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। और इस नुकसान में अभी मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी मैंने चाय के ऊपर पेप्सी पी ली थी, जिस वजह से मैं बता रही थी पिछली वीडियो में कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे सीने पर बहुत ज़्यादा जकड़न हो गई थी, दो तीन दिन मतलब बहुत ज़्यादा पेन रहा है मेरा, अब तो खैर ठीक है। और मैं वैसे भी जोशी ना पी रही हूँ, इसलिए तकलीफ़ हो जाती है, ठंडी चीज़ नहीं खा रही हूँ, ख़ास करके रात में ना बच्चों को दे रही हूँ ना मैं खुद खा रही हूँ, क्योंकि मौसम चेंज होता है तो ये ज़रूर बीमारियाँ होती हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा गाइस। चलिए फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।